क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? एक मेरा यारा एक ओदियारी यही अरदास है मेरी, वही मेरा सच है वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। टूटा कहर बिखर गई विद्या, ममता का आंचल आज हो गया है पराया। माँ की गोद गैर सी लगने लगी है, बचपन की छांव को एक सच ने अजनबी जो कर दिया। बेशक आज मुझे पता चला कि गोपी माँ ने मुझे पैदा नहीं किया है, बट पाला तो उन्होंने ही है, उन्हीं के संस्कार है, आज मैं जो हूँ उनकी वजह से ही हूँ, तो उन्हें कैसे भूल सकती हूँ, मेरे लिए तो वही सब कुछ है। वो अजनबी अपना हुआ और जो अपनी थी वो पराई हो गई। एक्चुअली ये बात सच है कि जब कृष्ण भगवान के बचपन की बातें होती है, उनकी ज़िंदगी के बारे में बातें होती हैं, तो देवकी जी से ज़्यादा उनकी यशोदा मैया के बारे में बातें होती हैं, उनका जिक्र होता है। तो ऑफकोर्स कहते हैं कि पैदा करने से वाले से ज़्यादा पालने वाला बड़ा होता है। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना। गोपी विद्या की माँ नहीं और विद्या गोपी की लाडली नहीं नहीं, जी हाँ, साथिया में हुआ गजब का उलटफेर। देखिए जरा इस रमाकांत नाम के इस एटम बॉम्ब को, जहाँ देखो विस्फोट कर देता है, आज जिसने विद्या के सामने कांड कर डाला। अब माँ के बारे में वो बोलेगा तो कैसे मैं सुन लूंगी? बेशक वो माँ का अपना सगा बेटा है, बट मेरी माँ वो पहले से है यार, उन्होंने मुझे पाला है, बड़ा किया है। वैसे विद्या को यहाँ जानबूझकर गौरा ने भेजा था, तो ये तो होना ही था। रमाकांत उर्फ रिक्की क्या जाने कि ममता की छांव में कितनी ठंडक होती है, तुम्हारे आग लगाने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं शांति के साथ थोड़ी सी अशांति ये बन गई है कि रमाकांत ने बहुत ही अचानक से आकस्मिक रूप से विद्या के सामने सारी सच्चाई रखी, तो विद्या को संभलने का मौका नहीं मिला। वैसे बता देंगे रिश्ते सच्चे होते हैं, सगे और पराए नहीं, समझ गए रिक्की बाबू। खैर यहाँ विद्या की असली माँ यानी अंतरा का हवन चल रहा है, जिसने अपनी बेटी गोपी से बदल कर उसका बेटा ले लिया था। रमाकांत मेरे अहम और गोपी का बेटा है, उसी का अंश है, और काफ़ी वर्षों तक हमसे अलग रहा है, और उसकी परवरिश जिन्होंने की थी वो उनका स्वर्गवास हो चुका है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए ये पूजा पाठ और हवन रखा गया है। घर में इतना बवाल मचा है और यहाँ श्रवण अपना ही रोना रो रहे हैं। जी हाँ, एक्चुअली धोखा तो मेरे साथ हुआ है, मेरे को मोदी का बोल के, मोदी की बेटी है तो शादी करा दी, और बट वो मोदी की थी नहीं, तो धोखा मेरे साथ हो गया। कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन विद्या आज अपने आप को संभाल नहीं पाई। माँ की परवरिश में तो कोई खोट नहीं थी, लेकिन रिश्तों के उलटफेर ने विद्या को झिझोड़ दिया। लेकिन विद्या मानना पड़ेगा कि आप परफॉर्मेंस दिया है। बेटी तो खूब पाली गोपी ने, लेकिन बेटे के ही संस्कार बिगड़ गए। अब सीता ही कुछ करेंगी इस मोदी फैमिली में रिक्की नाम की आफत का। मुंबई से श्रुति बरजात्या के साथ आज तक।